अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वर्ल्ड फेमस मशरूम सूप बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने 6-7 मशरूम लिए हैं, मैंने कैन के लिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश यूज़ करें। हाफ अदद वाइट अनियन लिया है, 1/4 कप क्रीम ली है, 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, 1 टीस्पून वाइट पेपर, अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 3 कप चिकन स्टॉक, 1 टेबलस्पून बटर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मशरूम और वाइट अनियन को रफली चॉप कर लूँगी। मैंने मशरूम और अनियन को चॉप कर लिया है और 2 मशरूम्स को ऐसे स्लाइस में काट लिया है। चले अब सूप बनाना तैयार करते हैं। एक पतीली में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, फ्लेम हमारा ऑन है। ऑयल डालने के बाद साथ ही हम इसमें बटर डाल देंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। अब मैं इसमें वाइट अनियन डालूंगी। इसको 1-2 मिनट सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। साथ ही इसमें मैं मशरूम भी डाल दूंगी। अब इसको भी 1-2 मिनट पकाएंगे। प्याज और अनियन को दोनों इकट्ठे पकाएंगे ताकि मशरूम जो है वो सॉफ्ट हो जाए और अनियन भी सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम हम अपनी लो ही रखेंगे। एक दो मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें वाइट पेपर और सॉल्ट डाल दूंगी, मिक्स करेंगे। साथ ही अब मैं इसमें मैदा डाल दूंगी, इसको भी 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। एक मिनट बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा चिकन स्टॉक डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके। पहले थोड़ा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जो इसकी गुठलियाँ हैं वो ना रहें और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब बाकी का चिकन स्टॉक डाल दूंगी। और इसको ढक कर 2-3 बॉयल दूंगी। दो तीन बॉयल आए तक हम इसको पकाएंगे ताकि हमारा जो सूप है वो गाढ़ा भी हो जाए। बॉयल आने लग गए हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ओरिगानो डालूंगी। ताकि सूप में खुशबू आ जाए। और अब क्रीम डाल दूंगी। क्रीम डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको 1-2 मिनट पकाएंगे। 1-2 मिनट पकाने के बाद चूल्हा इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। सूप हमारा रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये लीजिए, तैयार है हमारा वर्ल्ड फेमस मज़ेदार मशरूम सूप।
मेरी इस रेसिपी को थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपको ये कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स करें। चलती हूँ, दोबारा हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।